ये तो बोले थे ना अंडरग्राउंड जेल, यहाँ से हो गया। देखते हैं क्या है। और ये कुछ अंडरग्राउंड सेक्शन है यहाँ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आई नो 25-30 दिन के बाद ये व्लॉग आ रहा है। थोड़ा सा काम था इमरजेंसी से तो मैं बाहर गया था, तो इसी वजह से 2-3 हफ्ते से व्लॉग्स नहीं आए, पर अब से रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। और आज हम एक बहुत ही स्पेशल जगह पे आए हैं जो कि है ईडर। यहाँ पे जो राजा का महल हुआ करता था वो देखने के लिए आए हैं। जस्ट लुक एट कि कहाँ पर वो महल सिचुएटेड है। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है वहाँ पे राजा का महल है, और वहाँ ऊपर चोटी पे भी एक महल है। तो आज हम लोग ट्रैक करके वहाँ ऊपर जाने वाले, सीढ़ियाँ हैं पूरी, देखते हैं शायद वो पहला वाला जो महल है वहीं तक जाए, ऊपर वाले तक ना जाए। लेट्स सी कैसा है वो। तो ये है रास्ता जहाँ से चढ़ के आप ऊपर जो महल है वहाँ तक जा सकते हैं। बट जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस रॉक, मतलब जो यहाँ पे जितने भी पत्थर उसकी साइज देखो, दिस आर ह्यूज, रियली ह्यूज। अच्छी लगी प्लेस अंजलि? एक मस्त है, कितनी हिस्टोरिकल है, मेरे लाइक तो है। तेरे लाइक मतलब तू हिस्टोरिकल है? हाँ, प्राचीन हो ना। प्राचीन काल। फिर वो कितना मस्त है, वहाँ पत्थर कितने बड़े? बहुत बड़े पत्थर हैं, लिटरली मेरे इंस्टाग्राम की बहुत सारी स्टोरीज आ गई। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए अगर नहीं कर रहे तो, मुझे और अंजलि को स्टोरीज है, फोटोज सब आपको वहाँ पे लेटेस्ट मिल जाएगा। और थोड़ा आशु को भी फॉलो कर दीजिए, थोड़ा ही फॉलो करें ना, हमसे ज्यादा फॉलो हो गए तो भाई तेरे, हमसे ज्यादा फॉलोअर्स हो गए तो मेरे तो है ही आपसे ज्यादा फॉलोअर्स। अरे आशु के 2000 है। इतना तो बोल मत यार। क्या इतना सब तो मत बोल, ज्यादा बेइज्जती मत करा। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो गुजराती में यहाँ पे लिखी है, आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे नीचे पार्क है जहाँ पे आप निकाह पार्क करके, ये रास्ता है, यहाँ से चढ़ के ऐसे होके पूरा वहाँ तक जाना है। फ्री में पार्किंग है नीचे, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। जस्ट नीचे जो स्टेयर्स है जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहीं से कार पार्क किया, अपनी बाइक पार्क करके सीधा आप ऊपर आ सकते हैं। तो अभी हम लोग ये हाफ वे पॉइंट पे पहुँचे हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे बैठ सकते हो आराम से। एंड वन मोर थिंग, यहाँ से आपको पूरा ईडर दिखता है। एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अभी वहाँ पे सनसेट थोड़ी देर में होने वाला है, हम उसी की वेट कर रहे हैं। होपफुली सनसेट हम यहाँ बैठ के कैच कर सके, अगर कैच कर लिया हमने तो आपके लिए ज़रूर इस वीडियो में आएगा। बट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा जो सिटी ईडर वो यहीं से दिखता है। थोड़ा ही बचा है, ये पहुँच गए हम लोग यहाँ पे ऊपर। आई गेस 100-150 मीटर जितना बचा होगा, और वो मेन है फोर्ट, बट वहाँ तो आई गेस आज नहीं जाएंगे हम लोग। ये फोर्ट आपको कवर करके आज ज़रूर दिखाएंगे। तो यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है, पहले मेरा था, अभी आशु का है, फिर करण की बारी आएगी। सो फोटो सेशन इज़ ओवर, आपको फोटोज़ मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे अगर अच्छा है तो। अब चलते आगे। तो ये है, ये है डर, बोल बोल यार, डरावनी गुफा। और आशु अंदर जा रहा है, हाथ पकड़ के चलना सारे। आशु देख रहा है भगवान अंदर, क्या गोबर होगा अंदर, तो बकरी तो जाती होगी यहां पर, जाता हूं मैं लेने। आ जाओ अंदर। लाइट अंदर बिल्कुल नहीं, बहुत ग्रैंड है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ग्रैंड है। राजकोट में वो है ना, वाह।
पे राजा महाराजों के बाद ना लवर लोगों ने कब्जा कर लिया, सब सब जगह अपनी सब जगह अपनी छाप छोड़ के गए। देखना है आपको एक नज़ारा दिखा, ये देखो यहाँ पे, ये नज़ारा पर ये कैसे लिखा है, ये ऊपर मतलब कोई सीढ़ी लेके आया होगा यहाँ ऊपर लिख दिया, वो कहते हैं ना आसमान में हमारा नाम, यहाँ कैसे लिखा है, यहाँ पे मतलब हाइट मेरी यहाँ तक पहुँच रही है और उस बंदे ने ऊपर लिखा है। यह है ग्रैंड व्यू, यहाँ से भी पूरा सिटी दिखता है, सामने कोई लेक बनी है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि रूम से बाहर आते ही इतनी बड़ी बड़ी बालकनियाँ होती थी रानियों के लिए राजा के लिए। तो अभी हम लोग हैं फर्स्ट फ्लोर पे, अभी जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे ऊपर, और उसके ऊपर थर्ड फ्लोर है, तो तीन फ्लोर्स है। तो अभी हमने सिर्फ फर्स्ट ही कवर किया, आई मीन कवर तो नहीं किया पर अभी आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर, फिर वहाँ से सेकेंड फ्लोर जाने के लिए सीढ़ी है, तो चलते हैं उसके बाद सेकेंड फ्लोर पर। नहीं पर अभी इतनी खराब हालत है पर सोच फिर भी इसका आर्किटेक्चर इतना मस्त लग रहा है, तो जब ये सही हालत में होता होगा मतलब जब राजा महाराजा के टाइम पे ये एकदम सही हालत में होगा, अभी तो महल की काफ़ी बुरी हालत है बट फिर भी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत बड़े बड़े कमरे हैं और बालकनी भी इतनी बड़ी है, यहाँ से जो पूरा सिटी वो दिखता है। तो जस्ट थिंक कि जब ये राजा महाराजा यहाँ पर रहते होंगे तब कितना आलीशान महल होता होगा ये। आई थिंक यहाँ से ऊपर जाना है सेकंड फ्लोर पे, तो चलते हैं। पानी करें यहाँ पे भी प्यार का इजहार किया गया समझ गए और आप पहुंचे हम लोग सेकंड फ्लोर पे, ये काफ़ी ओपन लग रहा है फर्स्ट फ्लोर के कंपेयर में, और यहाँ से व्यू देखिए। यू कैन सी वहाँ से डायरेक्ट आप लोग ये नज़ारा सामने का देख सकते हैं, ये पूरा स्ट्रेट है ऐसे ही, अगर कोई बंदा उस कमरे में भी है तो वहाँ से यहाँ का व्यू आराम से देख सकता है। यहाँ तक सीधा दिखते हैं जब सब खिड़कियाँ हैं, ठीक है, और कितने सारे रूम हैं, लेकिन ऐसा खुला थोड़ी ना, तब इसमें तो अरे पर ये देखना ये सब खिड़कियाँ ही है, देख ये देखा तूने, ये स्टील का ये पूरी खिड़कियाँ दरवाजे ही है, देख देख यहाँ पे देख ऊपर ये भी स्टील का है। ये इतने बड़े बड़े कमरे और इतने मतलब ऑलमोस्ट जब सेम जैसे दिखता है, तो अगर आप लोग साथ में नहीं हो दो पाँच मिनट के लिए भी गुम हो गए तो मिलना बहुत मुश्किल, आपको चिल्ला चिल्ला के सबको ढूंढना पड़ेगा। और थोड़ा फोटो बॉम्बिंग करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट सेकेंड फ्लोर है, सिमिलर काइंड ऑफ रूम्स ही हैं, तो अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पर।
कैसे हो गए, देखते हैं ना क्या है। और ये कुछ अंडरग्राउंड सेक्शन है यहाँ। अच्छा आई थिंक ये अंडरग्राउंड, आई थिंक ये कोई अंडरग्राउंड रास्ता है जहाँ से अब बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलने का रास्ता है करण, बाहर निकलने का रास्ता है, खुफिया रास्ता जैसा लग रहा है, बट जाने का जो रास्ता है अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई अंडरग्राउंड पार्किंग जैसा होता है ना सिटी। तो ये बैकयार्ड जैसा एरिया है, यहाँ से आई गेस थर्ड फ्लोर तक जा सकते हैं, सीढ़ियाँ तो है, लेट्स सी कहाँ लेके चलती है ये। ये तो डेड एंड है, हाँ यहाँ कुछ नहीं है, तो आई गेस थर्ड फ्लोर यहाँ से जा सकते हैं, आई गेस यहाँ से जा सकते हैं, ये नया रास्ता मिला है, अंदर से भी जा सकते हो आप, जो सीढ़ियाँ हम चढ़ के ऊपर है सेकेंड फ्लोर पे, वहीं से थर्ड फ्लोर जा सकते हो, बट ये कुछ अलग रास्ता है। अच्छा तो ये ओपन टेरेस जैसा है, ये ओपन टेरेस जैसा है, थर्ड फ्लोर नहीं है, थर्ड फ्लोर जो है वो यहाँ पे है ऊपर, तो आई गेस अंदर से ही जाना पड़ेगा। चलो वापस, ये तो ओपन टेरेस जैसा है, हम लोग वापस जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे, वहाँ से जो सीढ़ी है गोल गोल वाली उससे ही थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। जो बैक यार्ड का रास्ता है यहाँ से दरगाह है, मंदिर है, और दो मंदिर है और एक दरगाह है, तो वहाँ पे आप यहाँ से जा सकते हो ये रास्ते से, आई गेस वहाँ पे ऊपर है, और वो महल है सबसे बड़ा, बट वहाँ नहीं जाना अभी, यही महल है, आगे जाओगे तो वहाँ पे एक या दो मंदिर है और एक दरगाह भी है, तो जा सकते हो, हमारा अभी कोई प्लान नहीं है, तो लेट्स सी। यहाँ पे ऊपर जाने की सीढ़ी ढूंढना भी एक टास्क है, 10 मिनट से ढूंढ रहे हैं हम लोग कि ऊपर जाने वाली सीढ़ी मिल जाए, हाँ कहीं तो थी, देखना पड़ेगा, मिली आशु तुझे सीढ़ी, आई होप कि जल्दी से नीचे उतरने की सीढ़ी भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यही डिफिकल्ट है, आई गेस यही है सीढ़ी, हाँ मिल गई, बहुत नैरो है सीढ़ी और एकदम दिख भी नहीं रहा, शान अपर जा रही है, मोटा इंसान फंस जाएगा, ओ माता रानी बहुत स्टीप है यार, बहुत स्टीप है, बहुत नैरो और स्टीप है, जैसे कि पुराने महल में होती है नैरो और स्टीप सीढ़ी, अगर आप राजस्थान में किसी महल पर गए हो तो आपको पता होगा, एंड वाओ लुक एट दिस व्यू। जैसा आपको एक आइडिया है, वहाँ पे है हमारी कार, ये जो रेड दिख रहा है आपको वहाँ पे हमारी कार है, और हम यहाँ से चढ़ के इतना ऊपर आए, और जो लास्ट जो महल है वो यहाँ पे है, इतना माय गॉड, वहाँ तो हम नहीं जा सकते वहाँ तो हम नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत चढ़ना है, बहुत ऊपर है वो, तो क्या हो गया, क्या हो गया मतलब, वो देख तो सही कितना ऊपर है, यहाँ यहाँ से देख तो सही वो कितना ऊपर है, सांस लेते तो जाएंगे ना, क्या सांस लेते तो जाएंगे, सांस सांस तो लेनी होती है हर जगह, पानी की बॉटल भी लाई हूँ मैं दो, ठीक है चल देखते हैं। हाँ और यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है, ये जो रूम है ये बाहर का रूम है, यहाँ से बालकनी पड़ती है, और अभी अंजलि यहाँ पे टाइमलेस ले रही है और आशु फोटो खींच रहा है, मैं जरा आपको अंदर का दिखाता हूँ, ऐसा कुछ ही रूम है, पूरा टेरेस ही थर्ड फ्लोर है, लुक एट दिस टेरेस, वाओ
यहाँ ऊपर भी चढ़ सकते हैं। वो इतना आई गेस वो इतना इजी नहीं रहेगा और सेफ भी नहीं रहेगा ऊपर। ये थर्ड फ्लोर है और ऑलमोस्ट ये सारे टेरेस ये ओपन है। तो अभी तो बज रहे हैं 5:45, तो वहाँ जो ऊपर जाने का प्लान है वो तो फ़िलहाल नहीं हो सकता। हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आएंगे, जो दरगाह और जो मंदिर बाकी है वो, और ये ऊपर वाला जो महल बाकी है वो तीनों पार्ट टू में कवर करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ यही महल एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मीटर आ गए मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीकेंड में आने का प्लान है, तब हम लोग पूरा कवर करके आपको दिखाएंगे। सो अभी आधे घंटे टाइम पास करने के बाद यहाँ टेरेस पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, वीडियोज़ अगर आपको बनाने हैं, अब तो टिकटॉक तो बैन हो गया बट MX टकाटक के लिए अगर आपको वीडियोज़ बनाने हैं तो भाई वो टिकटॉक जैसा निकला ना दूसरा, तो नहीं देखा? अभी यहाँ पे लाइट करनी पड़ेगी पहले, तो उन सब वीडियोस बनाने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी करनी या फिर ऐसे इसी पर अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस, बहुत ही अच्छा है। पर पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं कि नीचे कहाँ से जाना है रास्ता, फिर थोड़ा और बात करते हैं। आशु को पूरा रास्ता याद हो गया भाई, डायरेक्ट नहीं जाना नीचे। अगर आप अकेले यहाँ पे आना नहीं चाहते, गुम हो ऐसा लग रहा है कि गुम हो जाएंगे, तो आशु का कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ नीचे, आशु को लेके आशु को लेके आना आप, चलेगा। महंगा आएगा पर आवर रेट से आएगा आशु, बट आएगा जरूर, आएगा जरूर। अरे यहीं पे है, कहाँ कहाँ पे आ जा। आई ना मैंने वीडियो में आपको इतनी हिस्ट्री नहीं बताई, वो तो विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं, बट जगह एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी है, मस्त है। आगे भी मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ऊपर दूसरा महल है, जो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट वीकेंड आते हैं, कब आते हैं वो तो देखते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो ज़रूर हम बनाएंगे। मतलब ये जो फोर्ट है वो इतना भी ऊपर नहीं है, आराम से आप लोग आ सकते हो यहाँ पे, इतनी भी थकान नहीं होगी इतनी भी। हाँ वो जो ऊपर वाला है वो तो बहुत ऊपर रहेगा, ये तो बहुत ईजी है। इसकी दूसरी अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारे स्पॉट्स है इस महल में जहाँ पे आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ है। जैसे कि ये एक है, जब आप चढ़ेंगे तभी आपको रास्ते में मिलेगा, यहाँ पे भी आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, और ये जो ओपन बैकग्राउंड आपको पूरा सिटी का मिलेगा, इट विल जस्ट लुक ऑसम इन योर वीडियोज़ एंड फोटोज़। तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, आई थिंक ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं है वीडियो, आप सब नीचे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी कार पार्क है, वहाँ से लेकर निकल जाएंगे घर के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। एंड विल सी यू गाइस इन अवर नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। आई एम महेंद्र बाहुबली। क्या? महेंद्र बाहुबली। और कटप्पा कूदो नीचे। हाँ कटप्पा नीचे कूदो। नहीं कूदना, मैं तू खुद कूद जा।